नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनु माथुर। कोरोना वायरस की वजह से लगी लॉकडाउन के बीच ज्यादातर लोग सिनेमा हॉल्स, होटल्स और मॉल्स को मिस कर रहे हैं। घर बैठे लोगों की बोरियत को कम करने के लिए सरकार ने दूरदर्शन पर रामायण, महाभारत और शक्तिमान जैसे कई शोज को दोबारा टेलीकास्ट किया है और पिछले काफी टाइम से रामायण ने टीआरपी लिस्ट में अपने आप को पहले नंबर पर बनाया हुआ है। और इसके दूसरी तरफ बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आमिर खान की थ्री इडियट्स ने 2009 में रिलीज होने पर न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था बल्कि दर्शकों के दिल पर काफी लंबे समय तक राज किया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भी फिल्म ने दर्शकों के बीच तहलका मचा दिया है और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा बार देखी जाने फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। थ्री इडियट्स के वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा देखे जाने पर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये देखकर मुझे खुशी होती है कि थ्री इडियट्स एक फिल्म है जिसे हमने एक दशक पहले इतने प्यार से बनाया था, वो अभी भी लोगों के दिल में राज कर रही है और हमें इतनी प्यार और तारीफें मिल रही हैं। आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स में आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमन ईरानी और मोना सिंह जैसे कई कलाकार मुख्य भूमिका में मौजूद थे। ये फिल्म एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में तीन स्टूडेंट्स की दोस्ती और उनकी जिंदगी के बारे में थी। फिल्म में दिखाया गया है कि जिस चीज को करने की आप में लगन हो, आपको उसी में मेहनत करनी चाहिए। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए फिल्मी बीट।